बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैजान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 14 अगस्त 2023 है, दिन है जी मंडे, पीर का 537 रोज आज मुकम्मल हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को बॉर्डर पर टेंशंस का जो ट्रॉमा रचाया जा रहा था पोलैंड की जानिब से, आखिर पोलैंड अपने दिल की बात जबान पर ले आया। पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की, जिससे वादे हो गया कि जो 10-15 दिन से पोलैंड बॉर्डर के ऊपर जो बेलारूस के साथ पोलैंड का बॉर्डर है वहां पर जो टेंशन का ड्रामा पोलैंड की जानिब से रचाया जा रहा था उसकी वजह क्या थी, वो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के अंदर बता दिया। पोलैंड की जानिब से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुज़िश्ता एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि वाग्नर्स के पोस्टर्स आवेजा हुए हैं पोलैंड के एक शहर के अंदर, सदरन साइड पर जो पोलैंड का शहर है वहां पर मुख्तलिफ मकामात पर वाग्नर्स के पोस्टर्स आवेजा हुए थे। तो पोलैंड ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और ये इल्ज़ाम आयद किया कि ये 2 लोग थे जिन्होंने ये पोस्टर्स लगाए इस शहर के मुख्तलिफ मकामात पर। कौन 2 लोग थे, डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। दिल की बात तो रशिया भी जबान पर ले आया है। रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी करते हुए, उन्होंने रशिया के जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, रशिया की जो जंग है, इसकी स्ट्रेटजी एक तरह से उसका हिंट दे दिया रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रखूंगा। स्टेटमेंट क्या बल्कि रशिया के एक्शन से भी वादे होता है कि रशिया इस जंग को, इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को किस अंदाज से, किस स्ट्रेटजी के तहत आगे लेकर बढ़ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ उससे मुकम्मल तौर पर वाज़े हो गया कि रशिया अपनी पॉलिसी, अपनी स्ट्रेटजी जो है इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की, वो तब्दील नहीं कर रहा। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि यूक्रेन की जानिब से बड़े मोटे ताज़े हमले किए जा रहे हैं इन दिनों। आपको मालूम है हमारी डेली बेसिस पर बात होती है, डेली मैं आपको बताता हूँ कि यूक्रेन की जानिब से अगर हम अंदाज़ा, एक रफ़ आइडिया भी लगाएँ तो गुज़िश्ता 3 महीनों की अगर बात करें तो शायद ही कोई दिन खाली हो कि जब रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को टारगेट ना करने की कोशिश की हो यूक्रेन ने, या फिर जो बेलगोरोद रीजन है, कुर्स्क रीजन है, जो रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स हैं वो भी तवातर के साथ यूक्रेन टारगेट कर भी रहा है, अब टारगेट करने की कोशिश भी कर रहा है। क्राइमिया और कच स्ट्रेट ब्रिज को भी यूक्रेन ने इन 2-3 महीनों के दौरान मुतअद्दिद मरतबा टारगेट किया और बड़े बड़े हमले करने की कोशिश की। अभी परसों की अगर मैं आपको बात बताऊं, उस वीडियो के अंदर हमारी बात भी हुई कि 20 ड्रोन हमले यूक्रेन ने क्राइमिया पर करने की कोशिश की और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि हमने 20 के 20 ड्रोन्स को मार गिराया क्राइमिया को हिट करने से पहले। ना सिर्फ क्राइमिया बल्कि कच स्ट्रेट ब्रिज को भी यूक्रेन ने टारगेट करने की कोशिश की थी और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा था कि हमने यूक्रेन के इन हमलों को भी नाकाम बना दिया। ना सिर्फ रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान बल्कि रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है मरिया ज़ाखरोवा, उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से में एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि इंतज़ार करो हमारी रिटेलिएशन का, तुम बाज नहीं आ रहे। क्राइमिया और कच स्ट्रेट ब्रिज को बार बार यूक्रेन टारगेट करने की कोशिश करता है तो अब सख्त किस्म का रद्द अमल रशिया के सामने आने वाला है। स्टेटमेंट जारी की थी मरिया ज़ाखरोवा ने, जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं ये मॉस्को के मनाजिर हैं जहाँ पर एक मरतबा फिर से आग भड़क उठी एक फैक्ट्री के अंदर और रशिया के ऑफिशियल्स ने कहा कि फिर से वही हादसा, फिर से वही शॉर्ट सर्किट, वजह बताई रशिया के ऑफिशियल्स ने इस आग की। लेकिन यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं वो उसी तरह से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्वीट्स कर रहे हैं। ये वीडियो जो है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो शेयर करते हुए ये बताया जा रहा है यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से कि देखो रशिया अपने दारुल हुकूमत को महफूज रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, खाली सूखी धमकियाँ रशिया की जानिब से दी जा रही हैं। लेकिन रशिया के ऑफिशियल्स ने कहा कि फैक्ट्री के अंदर एक शॉर्ट सर्किट के 22 आग लगी है और इसमें यूक्रेन की तखरीबकारी का दूर दूर तक रशिया ने जिक्र नहीं किया। लेकिन कैसे मान लें, डेली डेली मैं भी आपको बताता हूं और शायद मैं आपको मुकम्मल नहीं बताता, रशिया के कोने कोने के अंदर, रशिया के मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर इस तरह की जो तखरीबकारियां हैं जिन्हें रशिया हादसात का नाम दे रहा है, वो डेली बेसिस पर 1-2 नहीं बल्कि 3-4 इस तरह के हादसात और तखरीबकारियां डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रही हैं और इनको रोकने में रशिया की जो अथॉरिटीज़ हैं, रशिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं। ना सिर्फ रशिया के दारुल हुकूमत बल्कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
दौरान एक मरतबा फिर से यूक्रेन ने रशिया के जो बॉर्डरिंग रीजन है बेलगोरोद रीजन उसको भी टारगेट किया। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि दो ड्रोन हमले यूक्रेन की जानिब से करने की कोशिश की गई थी लेकिन हमने दोनों के दोनों ड्रोन्स को मार गिराया। तो फिर ये क्या है, ये जो फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बेलगोरोद रीजन की फुटेज है जहाँ पर एक बिल्डिंग डैमेज हमें साफ दिखाई दे रही है, कुछ गाड़ियाँ भी हैं जिनके शीशे टूट चुके हैं। और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि ड्रोन जो हमने मार गिराया वो जाकर इस बिल्डिंग से टकराया जिसकी वजह से ये बिल्डिंग डैमेज हुई। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन मार गिराने में कामयाब हुआ रशिया और दूसरे ड्रोन ने इस बिल्डिंग को हिट किया। खैर गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों की मैंने आपको डिटेल्स बता दी कि यूक्रेन ने रशिया के दारुल हुकूमत को भी टारगेट किया, बॉर्डरिंग रीजन्स को भी टारगेट किया, क्राइमिया को भी टारगेट किया और काच स्ट्रेट ब्रिज को भी टारगेट किया। और रशिया की जानिब से जो वार्निंग सामने आई थी रिटेलिएशन की, ठीक उसी तरह की रिटेलिएशन जिस तरह से हम उस वीडियो के अंदर बात कर रहे थे कि हमें मालूम है कि रशिया की रिटेलिएशन क्या है, रशिया मिसाइल्स बरसाएगा, ड्रोन हमले करेगा यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर, और इसी तरह हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 मेजर स्ट्राइक्स रशिया की रिपोर्ट हुई हैं यूक्रेन के 8 रीजन्स के ऊपर। ये स्ट्राइक्स जो हैं वो रशिया ने करने की कोशिश की, 15 ड्रोन हमले थे और 8 मिसाइल हमले थे लेकिन 3 किस्तों में ये 15 ड्रोन्स और 8 मिसाइल्स जो हैं वो रशिया ने दागने की कोशिश की यूक्रेन के 8 रीजन्स के ऊपर। और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि 15 के 15 ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और 8 के 8 मिसाइल्स को भी मार गिराने का दावा यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। लेकिन फिर ये क्या है, अगर 15 के 15 ड्रोन्स मार गिराए और 8 के 8 मिसाइल्स मार गिराए तो जो फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ओडेसा की फुटेज है जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि रशिया के कुछ मिसाइल्स ने ओडेसा के अंदर हिट किया अपने टारगेट को। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि असलहे गोले बारूद का ठिकाना हमने टारगेट किया ओडेसा के ऊपर, जो हमारी रीसेंट स्ट्राइक्स हैं जो फ्रेश स्ट्राइक्स हैं उसके दौरान हमने अपने टारगेट्स को अचीव किया। लेकिन यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि ये एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स से जो हमने रशिया के मिसाइल्स को मार गिराया तो ये जाकर जो रशिया के मिसाइल्स हैं वो कुछ जाकर कुछ बिल्डिंग्स को टकराए जिसकी वजह से ये आग भड़क उठी और बहुत ज़्यादा फैल गई। खैर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ओडेसा रीजन के अंदर ही इस तरह की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं, बाकी जो 7 रीजन्स थे ओडेसा के अलावा वहाँ पर कोई इस तरह की स्ट्राइक्स रिपोर्ट नहीं हुई जिनको रशिया की जानिब से टारगेट करने की कोशिश की गई थी। खर्सन रीजन के अंदर भी रशिया ने हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की हैं और यूक्रेन ये बता रहा है कि 7 लोग हलाक हुए हैं। खर्सन रीजन के अंदर रशिया की जानिब से एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हिट किया गया जिसके नतीजे में अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 7 लोगों की हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फिर आ गए, उन्होंने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और खर्सन रीजन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे भी हलाक हुए हैं, ख़वातीन भी हलाक हुई हैं खर्सन रीजन के अंदर रशिया की स्ट्राइक्स की वजह से। और ना सिर्फ खर्सन बल्कि यूक्रेन के सदर ने बताया अपने इत्तेहादियों को मुखातिब करते हुए कहा कि रशिया का जो टेरर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा लेकिन हम इस टेरर को रोक सकते हैं किस सूरत में कि अगर जर्मनी हमें टॉरस मिसाइल्स प्रोवाइड कर दे। ये यूक्रेन के सदर ने भी स्टेटमेंट में कहा और यूक्रेन के सदर के जो एडवाइज़र हैं उन्होंने तो बाकायदा तौर पर पूरे का पूरा जो मैसेज है उसका जो सब्जेक्ट था वो टॉरस मिसाइल्स थे कि हमें जर्मनी से टॉरस मिसाइल्स अगर मिल गए तो मैदान जंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। जर्मनी के टॉरस मिसाइल जिसकी रेंज मैं आपको बता चुका हूँ कि 500 किलोमीटर है। लेकिन खैर हर मरतबा हर असलहा गोला बारूद मांगते हुए यूक्रेन ये ज़रूर कहता है कि ये अगर हमें मिल गया तो फिर हम रशिया को बता देंगे कि यूक्रेन क्या है, यूक्रेन के इत्तेहादी क्या हैं, लेकिन रिजल्ट सिफर है। अब यूक्रेन की जानिब से कुछ दावे भी सामने आ रहे हैं। 3.5 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है बखमुत के अतराफ, यूक्रेन ये कहता है कि हमने अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान बखमुत के अतराफ अच्छा खासा एरिया खाली करवाने में हमारी फोर्सेज जो हैं वो कामयाब हुई हैं। ना सिर्फ बखमुत के अतराफ बल्कि यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि खर्सन रीजन के उस तरफ जो निप्रो रिवर की दूसरी साइड है वहाँ पर यूक्रेन ने कुछ इलाका खाली करवाने का दावा खर्सन रीजन के अंदर भी किया। और साथ साथ यूक्रेन के सदर ने वही बातें रिपीट की कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहा है लेकिन अगर हमारे इत्तेहादियों की जानिब से जो असलहा हम डिमांड कर रहे हैं वो टाइमली प्रोवाइड कर दिया जाए
तो हम रिजल्ट्स मज़ीद अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखा सकते हैं, मज़ीद हम आपको डिलीवर करके दिखा सकते हैं। अब जर्मनी की जानिब से कोई रद्द अमल फ़िलहाल सामने नहीं आया कि क्या जर्मनी टॉरस मिसाइल्स प्रोवाइड करने वाला है यूक्रेन को या फिर नहीं। अभी तक जर्मनी और अमेरिका के दरमियान डील चल रही है कि अगर अमेरिका अटैकम्स प्रोवाइड करता है तो फिर जर्मनी उस शर्त पर टॉरस प्रोवाइड करने के लिए तैयार है यूक्रेन को। और अमेरिका की जानिब से कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की जानिब से ग्रीन सिग्नल अटैकम्स पर दे दिया जाएगा, क्योंकि अटैकम्स वाली रेंज के जो मिसाइल्स हैं वो ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर मैदान जंग के अंदर मौजूद हैं, जैसे स्टॉर्म शैडो मिसाइल है बर्तानिया का, उसी जितनी रेंज अटैकम्स की है, तो अटैकम्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अमेरिका की जानिब से। बड़ा सवाल है टॉरस का, टॉरस की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा रेंज है, और इस पर रशिया का रद्द अमल भी सामने आ सकता है। इस वजह से जर्मनी की जानिब से अभी तक टॉरस पर कोई ग्रीन सिग्नल यूक्रेन को नहीं दिया गया, लेकिन जर्मनी एक ड्रोन प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। इस ड्रोन की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर है, 6 घंटे ये परवाज कर सकता है ड्रोन, और ये भी बहुत ज़्यादा। यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा कि बहुत शुक्रिया आपने टॉरस प्रोवाइड नहीं किया फिलहाल, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप टॉरस प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल ये जो ड्रोन है इससे भी बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलेगी अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान। अब जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ शॉल्स, उन्होंने जनवरी में एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि एक ही सोल्यूशन है इस जंग का, सोल्यूशन बता रहे थे ओलाफ शॉल्स, और उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि रशिया को मैदान जंग के अंदर अगर हमने शिकस्त दे दी या फिर वीक कर दिया उसके बाद ही बातचीत की टेबल पर बैठना चाहिए, वरना नहीं। उन्हीं ओलाफ शॉल्स ने आज इंटरव्यू के दौरान दोबारा एंकर के सवाल पर कहा कि हमें सिफारती कोशिशें करनी चाहिए, बातचीत की टेबल पर बैठना चाहिए, जंग में कुछ नहीं रखा, ये और लंबी होती जाएगी, किसी की हार जीत नहीं होगी, इसलिए बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं। आज ओलाफ शॉल्स ने वो बात नहीं की कि रशिया को वीक कर देंगे, रशिया को आइसोलेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर गेम उल्टी पड़ चुकी है, आइसोलेट भी ये हो रहे हैं, वीक भी ये हो रहे हैं। और जर्मनी के चांसलर की जानिब से जर्मनी के चांसलर का सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर अपडेट नज़र आया इस इंटरव्यू के दौरान, जिसमें उन्होंने सफारती कोशिशों को जो जद्दा के अंदर जो टॉक्स हुई उनका जिक्र करते हुए कहा कि बहुत पॉजिटिव स्टेप था और ये तनाज़ा बहुत जल्द बातचीत की टेबल पर आ जाएगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। और हमें कोशिश करनी चाहिए, पूरी इंटरनेशनल बरादरी को कोशिश करनी चाहिए कि रूस और यूक्रेन का तनाज़ा एज सून एज पॉसिबल बातचीत की टेबल पर आ जाए, वरना चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं। जर्मनी के चांसलर ने पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर टेंशन्स का जिक्र करते हुए कहा कि चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, इससे पहले कि तनाज़ा और बड़ा हो जाए इसे बातचीत की टेबल पर आ जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर जो टेंशन्स हाई हैं गुज़िश्ता 1-2 हफ्ते की अगर हम बात करें तो पोलैंड की जानिब से बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है कि हमारे बॉर्डर्स पर बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, वाग्नर्स का खौफ है, हमारा बॉर्डर महफूज नहीं है, वाग्नर्स जो हैं वो हमारे मुल्क के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 अपने फौजियों की तादाद में पोलैंड इजाफा करता दिखाई दे रहा है गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते के दौरान। पोलैंड की जानिब से बहुत ज़्यादा इस तरह के अहकाम भी सामने आ चुके हैं, और फिर ये पोस्टर्स सामने आए वाग्नर्स के पोस्टर्स, जो कि ये बताया गया कि पोलैंड के एक शहर के अंदर सदरन साइड पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, शहर में डिफरेंट मकाम पर ये पोस्टर्स नज़र आए। अब 2 लोगों को गिरफ्तार किया है पोलैंड ने, इन पोस्टर्स के लगाए जाने के इल्ज़ाम में दोनों रशियंस हैं, जिनको पोलिश अथॉरिटीज़ की जानिब से इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया कि इन्होंने यहाँ पर वाग्नर्स के ये पोस्टर्स लगाए थे। साथ ही जो पोलिश प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की। पोलिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो माइग्रेंट्स हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनको हम अब अपने मुल्क में आने दें या फिर ना आने दें, इस पर रेफरेंडम करवाया जाएगा पोलैंड के अंदर। मैं आपको ये बता दूं कि यूरोपियन यूनियन ने ये जो पॉलिसी है, ये यूरोपियन यूनियन ने रिफॉर्म्स रिसेंटली मुतारिफ करवाए हैं, जिस पर पोलैंड अकेला रेफरेंडम करवाने वाला है कि अगर उनके अवाम जो हैं वो राय दे दें कि हाँ जी मुहाजरीन नहीं होने चाहिए हमारे मुल्क के अंदर, किसी को नहीं आना चाहिए, तो फिर पोलैंड जो है यूरोपियन यूनियन के रिफॉर्म्स से हटकर फैसला कर लेगा कि हाँ जी हमारे अवाम जो हैं वो ये करें। और ना सिर्फ पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर बल्कि पोलैंड के
प्राइम मिनिस्टर ने एक वीडियो भी दिखाई और उस वीडियो के अंदर दंगे फसादात लड़ाइयाँ झगड़े जो महाजरीन की जानिब से किए जा रहे थे पोलैंड के अंदर वो भी दिखाए। और उसके बाद पोलिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हाँ अब बताओ कि हम रेफरेंडम करवा रहे हैं अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर में मैं आपको बता दूँ कि इंतखाबात भी हैं, पार्लियामानी इंतखाबात हैं पोलैंड के अंदर, जिसको लेकर ये जो हुकूमत में पार्टी है लॉ एंड जस्टिस पार्टी, इसकी जानिब से इस तरह की ड्रामेबाजियाँ की जा रही हैं ताकि दोबारा से इख्तदार में आया जा सके। साथ ही यूरोपियन यूनियन के खिलाफ महाजरीन से तंग आकर अब यूक्रेन के जो महाजरीन हैं और बेलारूस का भी जिक्र पोलिश प्राइम मिनिस्टर ने किया। और साथ साथ स्पेशली मैं आपको बता दूं कि अफ्रीकन और मुस्लिम कंट्रीज़ के जो मिडल ईस्ट के जो महाजरीन हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा सख्त पॉलिसी पोलैंड की ऑलरेडी है, उसे मज़ीद सख्त करना चाहता है पोलैंड, और साथ साथ अपने इंतखाबात में कामयाबी भी हासिल करना चाहता है, और यूक्रेन के महाजरीन से भी पोलैंड जान छुड़वाना चाहता है। 1 मिलियन से ज़्यादा यूक्रेनी महाजरीन पोलैंड के अंदर आ चुके हैं, तो अब पोलैंड की बस हो चुकी है। ग्रेन्स को लेकर भी पोलैंड ने स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर दिया, यूक्रेन का ग्रेन पोलैंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और अब महाजरीन की बारी आ चुकी है। और पोलैंड का ये जो ड्रामा था, ये जो 1-2 हफ्ते के दौरान पोलैंड ने जो ड्रामा रचाया, इसकी मेन वजह थी इंतखाबात सर पर हैं, अक्टूबर के अंदर पोलैंड के इंतखाबात हैं, जिसको लेकर इस तरह की हाइप क्रिएट की जा रही है, इस तरह के स्टंट्स मारे जा रहे हैं। और दूसरा, पोलैंड महाजरीन से भी जान छुड़वाना चाहता है और बेलारूस अफ्रीका और मिडल ईस्ट का नाम लेकर पूरे के पूरे महाजरीन से, जो यूक्रेन के महाजरीन हैं उनसे भी पोलैंड जान छुड़वाना चाहता है। इसलिए ये ड्रामा पोलैंड की जानिब से बेलारूस के बॉर्डर के ऊपर रचाया जा रहा था। और दिल की बात पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ज़बान पर ले आए। दिल की बात तो जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कर दी, एक हिंट दे दिया। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो वेस्ट का असलहा है वो किसी काम का नहीं है, फार फ्रॉम परफेक्ट है जो वेस्ट का असलहा है मैदान जंग के अंदर। सर्गेई शोइगू ने कहा कि मैदान जंग के अंदर हमने देख लिया कि कितना परफेक्ट है वेस्ट का असलहा। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव हो, ये ऑपरेशन हो, इसके दौरान बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया, और बहुत ज़्यादा मॉडर्न जो वेपन है वो भी यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया, और हम उसको चीर फाड़ कर देख चुके हैं। कुछ खास नहीं है वेस्ट के पास, वेस्ट जो है वो रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे आने वाले 2 साल भी यूक्रेन को इसी तरह मदद इमदाद प्रोवाइड करता रहे तो हम वेस्ट के असलहे को टैकल करने की ताकत रखते हैं। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के कहने का मतलब था कि ऑपरेशन ये जंग इसी अंदाज में आगे की जानिब बढ़ता रहेगा। हु विल ब्लिंक फर्स्ट, पहले कौन हार मानेगा, पहले किसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। अब ये जंग जो है वो एक दूसरे को थकाने की जंग है, एक दूसरे को महरूम करने की जंग है, और ये जंग स्टार्ट की थी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने कि रशिया को महरूम कर देंगे, रशिया को आइसोलेट कर देंगे, पूरी दुनिया से रशिया को काट देंगे, रशिया का बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, रशिया की बदमाशी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन गेम 1.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद बिल्कुल उल्टी पड़ चुकी है। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आर्कटिक ओशन का बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि आर्कटिक ओशन का भी रुख कर लिया रशिया ने इस जंग के दौरान। रशिया का बिजनेस जो है, चाहे वो एनर्जी का हो या फिर डिफेंस का बिजनेस हो, अभी एक रीसेंट खबर भी सामने आई कि S-400 रशिया प्रोवाइड करने जा रहा है भारत को। भारत सबसे ज़्यादा असलहा रशिया से ख़रीदता है, दीगर ममालिक इसराइल भी है, अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, दीगर ममालिक भी हैं, साउथ कोरिया भी है, जिनसे भारत असलहा ख़रीदता है। अब ये रीसेंट डील सामने आई है जो कि ऑफिशल्स की जानिब से कन्फर्म भी कर दी गई है कि रशिया का कारोबार भी चल रहा है, S-400 भी बिक रहे हैं, रशिया का मैदान जंग के अंदर भी असलहा गोला बारूद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। रशिया बिल्कुल महरूम नहीं हुआ, बिल्कुल आइसोलेट नहीं हुआ, पूरी दुनिया रशिया के साथ नज़र आ रही है। रशिया का अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि ब्रिक्स का ग्रुप है, जिसके अंदर बहुत सारे दर्जनों ममालिक उस ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये गेम उल्टी पड़ चुकी है, और मेरे ख्याल में नेटो विल ब्लिंक फर्स्ट, नेटो का सॉफ्टवेयर पहले अपडेट हो जाना है। यूरोप का सॉफ्टवेयर तो हमारे सामने है कि वो ओलाफ शॉल्स जो कि जनवरी के अंदर कह रहे थे कि इस जंग को बातचीत की टेबल पर तब आना चाहिए जब रशिया का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, अब उनका अपना सॉफ्टवेयर बिल्कुल अपडेटेड दिखाई दिया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि इस जंग को बातचीत की टेबल पर एज सून एज पॉसिबल आ जाना चाहिए। अब देखना यह है कि पहले कौन हार मानेगा। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।